न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया है और वो एक जेपी भी है। नमस्ते निर्मल जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। निर्मल, जब आप पहली बार न्यूजीलैंड में आए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं न्यूजीलैंड में अगर 20 साल पहले आई थी एंड द फर्स्ट इमोशन दैट स्ट्रक मी वाज यहाँ बहुत अकेलापन ना मैं महसूस करने वाली हूँ। मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स ये उनका भी यही एक्सपीरियंस होता है कि पहली बार अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि जब मैं आई थी मैं उस दौर में थी कि मेरे बच्चे हाई स्कूल में चले गए थे और मेरे पास काम नहीं था और बस एक वैक्यूम था कि मैं आगे जाके इस देश में क्या करूँ और कैसे मेरे को करियर एस्टैब्लिश करूँ, वो मेरा माइंड में था। तो आप सोशल वर्क में कैसे आए? मेरी एक फ्रेंड थी बनी थी नई जो उनके पेरेंट्स एक सीनियर सिटीजन सेंटर में जाते थे जिसका नाम था शांति निवास चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उन्होंने कहा आप जाकर उनको वॉलंटियर करो वहाँ उनकी देखभाल करने का या कुछ भी। एंड आई ऑलवेज हैड अ पैशन फॉर सोशल वर्क एंड ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, तो मैं तो भाग भाग के चली गई वहाँ कि मैं जाके कुछ करूँ सोसाइटी के लिए और सीनियर्स के लिए। और ये हमारे अपने सीनियर्स भी थे, साउथ एशियन सीनियर्स। तो मैं चली गई वॉलंटियर एंड दैट वाज 18 इयर्स अगो। नाउ आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि यू नो जो यंग जनरेशन है वो लोग वेस्टर्न कल्चर किवी कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है उनकी रूट्स इंडियन कल्चर को लेकर बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, हाउ यू डील विद देम? हालांकि मेरा भी 3 लड़कियां हैं, मैंने भी अपने घर में भी देखा है द चेंज ओवर इन द कल्चर, क्योंकि वो बाहर जाते हैं स्कूल में कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ काम और काम में, तो इट इज़ नेचुरल। वो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है कि वो वेस्टर्न बन जाए, इट डिपेंड्स ऑन हम कैसे उनको हमारे कल्चर सिखाएं। स्पेशली हम देखते हैं बुजुर्गों के साथ ये हो रहा है बिकॉज वो 70-75 ईयर्स में यहाँ आते हैं न्यूजीलैंड में एंड उनको वो चेंज करना बहुत मुश्किल है, और जब वो देखते हैं कि बच्चों के पास टाइम नहीं है एंड आगे जाके उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के पास भी टाइम नहीं है, तो उनको बहुत फील होती है। तो इसलिए हम हमारे सीनियर सिटीजन प्रोग्राम्स में इंटर जनरेशनल प्रोग्राम्स रखते हैं जहाँ हम बच्चे और बड़ों को मिला के प्रोग्राम्स करते हैं। जी, आजकल हम बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुन रहे हैं न्यूजीलैंड सोसाइटी में, जैसे कि इंडियन एम्प्लॉयमेंट सक्सेसेस, एजुकेशनल सक्सेसेस, तो आपके ख्याल में इनके पीछे क्या वैल्यू सिस्टम है कि वी सी मोर एंड मोर सक्सेसेस फ्रॉम द माइग्रेंट कम्युनिटी? आई थिंक बेसिकली हम इंडियंस जो है हार्ड वर्किंग हैं एंड वी ब्रिंग दैट कल्चर फ्रॉम होम। यहाँ के लोग बहुत, मैंने सुना है 2 काम 3 काम भी करते हैं लोग, एंड मैंने बहुत लोग को देखा है बस जो 20 किलो सूटकेस लेके आए हैं, बट आज बहुत अच्छे कर रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स है, कंपनीज है उनके, एंड इट्स रियली वेरी वेरी नाइस। और आप इतनी लाइफ को यू नो यू टच सो मेनी लाइफ, तो कभी आपकी ज़िंदगी में आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि आपकी भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं वर्किंग फॉर द सोसाइटी? हाँ जी, बहुत आए हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड आने के पहले मैंने कभी काम नहीं किया, आई वॉज अ हाउस वाइफ। हम अफ्रीका में रहते थे, वहाँ अलाउड नहीं भी था, वीजा भी नहीं था काम करने का, हस्बैंड काम करते थे, तो हमेशा मेरा मन में था कि मैं रह गई, कुछ किया नहीं अपनी लाइफ से, कुछ बनने का मौका ही नहीं मिला, बट न्यूजीलैंड गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एंड वो अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया और हार्ड वर्क किया एंड आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनक्रेडिबल स्टोरी, थैंक यू सो मच निर्मल जी टू शेयर योर स्टोरी विद अस, इट वाज अ रियल प्लेजर।